पोर्टल का दूसरा किस्त। जी हाँ दोस्तों, जिन भी लोगों को नहीं मिला था ई श्रम पोर्टल के तहत पहला किस्त 1000 रुपए की धनराशि, तो अब उन सभी लोगों के खाते में आने वाले हैं 2500 रुपए की धनराशि। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ई श्रम पोर्टल की जो पहली किस्त है वो नवंबर में जारी की गई थी, और अब इस महीने में ई श्रम पोर्टल की दूसरी किस्त, जिन भी लोगों को पहली किस्त नहीं मिली थी उन लोगों के खाते में 2500 रुपए की धनराशि भेजी जाएगी, और जिन लोगों को मिल गई थी पहली किस्त उन लोगों के खाते में सिर्फ 1500 रुपए की धनराशि भेजी जा रही है। बता दें कि ई श्रम पोर्टल पर ये सबसे बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई है। 6 महीने हो गए थे ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किए हुए, और अब तक इस पोर्टल पर सबसे बड़ी जानकारी जो है वो अब निकल कर सामने आई है, और सबसे बड़ी धनराशि जो है वो अब देने की बात सरकार के द्वारा की गई है। बता दें कि अगर आपने भी ई श्रम कार्ड बनवा रखा है तो इस जानकारी को हर किसी तक शेयर कीजिए जो आज के आस पड़ोस में रहते हैं और जो लोग भी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। दोस्तों, पहली जो किस्त थी उसे बशर्ते भेजा गया था, यानी कि हर किसी के अकाउंट में भेजने की कोशिश की गई थी, पर मात्र 9% लोगों के खाते में यह धनराशि पहुंचाई गई थी। पर इस बार 3 शर्तें लागू की गई हैं ई श्रम पोर्टल की दूसरी किस्त को आप सभी के खाते में पहुँचाने के लिए। दोस्तों, पहली शर्त यह है कि आपकी सैलरी 15000 से कम होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि आप सब्जी की या फिर रेहड़ी पटरी पर काम करते हो, किसी के घर में या फिर किसी कंपनी में छोटे तबके पर काम करते हैं, और तीसरी शर्त यह है कि आप गरीबी रेखा से नीचे आते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये तीनों शर्तें अगर आप मानते हैं, अगर आप इन तीनों शर्तों के बदौलत इस धनराशि को प्राप्त करने के लायक होंगे, तभी आपके खाते में ये धनराशि पहुंचाई जाएगी। क्योंकि ई श्रम पोर्टल जो है वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और जिन्हें सचमुच सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आपके आसपास में कोई है जो कि अमीर है, जिसकी सैलरी 20000 से ज़्यादा है और फिर भी वो ई श्रम कार्ड बनवा कर बैठा है, तो आप कॉमेंट करके हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर दी जाने वाली सभी जानकारियाँ ना सिर्फ मुफ्त है, बल्कि आप पूरी कोशिश की जाती है आप सभी का पूरा सहयोग किया जाए ई श्रम पोर्टल या फिर सभी सरकारी और बड़ी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।